जब लखनऊ के विधान भवन और लोक भवन में अचानक धमाकों की गूंज उठे, ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का मंजर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। लखनऊ का विधान भवन और लोक भवन अचानक धमाकों से गूंज उठा। आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच जिहादी नारे लगाते हुए लोक भवन के भीतर घुस गए। चार बम ब्लास्ट लोक भवन के गेट नंबर 2 और फिर 2 ब्लास्ट लोक भवन परिसर में होते हैं। इसी बीच किसी खतरनाक स्थिति को भाप कर उससे निपटने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडो उतरे और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान एक पल के लिए ऐसा लगा कि सच में कोई आतंकी हमला हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि किसी भी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडो के संयुक्त मॉकड्रिल ऑपरेशन गांडिव किया। गुरुवार सुबह विधान भवन और लोक भवन में हुई मॉकड्रिल के दौरान विधान भवन और लोक भवन के आसपास भारी संख्या पुलिस फोर्स तैनात रही। वाहनों का आवागमन भी सुबह से ही मॉकड्रिल के चलते रोक दिया गया था। इससे पूर्व बुधवार रात करीब 8 बजे लोक भवन पर 26/11 की तरह आतंकी हमले करते हुए भीतर कई वीआईपी के साथ बड़ी संख्या में वीआईपी अधिकारियों और नागरिकों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सूचना मिलते ही चंद मिनटों बाद फायर सर्विस हाइड्रोलिक के साथ मौके पर पहुंच जाती है। उनके साथ एम्बुलेंस में मेडिकल टीम भी रहती है। 7 आतंकियों के लोक भवन के भीतर होने की सूचना पर एनएसजी कमांडो मोर्चा संभाल लेते हैं और संयुक्त मॉकड्रिल ऑपरेशन गांडियों में कमांडो आतंकियों को मार गिराते हैं। उसके बाद कमरे में बंधक बनाए गए वीआईपी अधिकारियों और नागरिकों को सकुशल छुड़ा लेते हैं। इस मॉकड्रिल में 100 एनएसजी और इतनी ही यूपी एटीएस के कमांडो ने हिस्सा लिया। मॉकड्रिल के दौरान एनएसजी कमांडो ने आधुनिक हथियार, वॉल रडार, रोड सर्विलांस कैमरा और मिनी ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन सारे एक्शन को दूसरी टीम कैमरे के जरिए देखती रही। कमांडो के साथ केनाइन यूनिट के डॉग एक्सपर्ट भी आतंकियों की तरफ बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मॉकड्रिल ऑपरेशन को देखने पहुंचे। सीएम ने कमांडोज के पूरे ऑपरेशन को समझा। कमांडो ने सिचुएशन और एक्शन के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया। बताते चले, इससे पहले मंगलवार को लखनऊ में विधानसभा के इर्द गिर्द उस समय अफरा तफरी मच गई थी जब अचानक नो फ्लाइंग जोन में एक हेलीकॉप्टर मंडराता दिखा था। नो फ्लाइंग जोन में आए इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। आलम यह रहा था कि सड़क पर वाहनों के पहिए थम गए थे। इस बीच विधानसभा की छत पर कुछ सेना के अफसर भी दिखाई दिए थे। सेना के अफसरों को दिखाई देते ही मौजूद भीड़ के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन इसी बीच पता चला कि बुधवार को विधानसभा परिसर में आतंकी हमले से सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल की जा रही है। यह उसी की रिहर्सल का हिस्सा था। हेलीकॉप्टर लगभग 20 मिनट तक विधानसभा के आसपास मंडराता रहा था, फिर दूसरी तरफ निकल गया था। आपके लिए खबर लिखी थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद मिश्रा ने और कैमरे के पीछे हैं हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।